बाकी ये है कि मतलब डॉक्टर जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है उसके उसके में आठ लाख सात गायनेकोलॉजिस्ट है उसके बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है ज्यादा मतलब सभी में तो नहीं सभी में तो नहीं तो ऑब्वियसली मतलब उनके यूट्रस रिमूव हो जाते हैं उनको प्रॉब्लम मतलब गायनी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है सर कुछ आपका लगता है आपके प्रोबेबिलिटी ज्यादा उनका अपना भी जो है ना मतलब रेडियोलॉजिस्ट तो उसकी जो मतलब सुबह उसने एक एंटासिड लेना लेना तो मैंने उसको कहा तू एंटासिड मत ले तेरा क्या है कि तेरी हड्डियाँ डल जाएगी तो उसके बड़ी बात समझ में नहीं आई उसको तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया बड़ा समझ मैंने तो उसको कई बार कहा मैं ये गोली छोड़ दे कुछ और तरीका निकाल दे तो वो ले ले सुबह एलोवेरा जूस ले ले वहाँ कौन लाएगा गोली गोली करते जाते हो वो लाएगा कौन ठीक है पानी पी सुबह एसिड निकल जाए या पानी निकालो मुंह से बट वो है क्योंकि हमारी आदत हो गई है उसकी उससे एलोवेरा जाए सीधा दे दो मतलब आप बोलो कि आराम कर ले वो आराम करने को तैयार नहीं परहेज है परहेज करने को तैयार नहीं आदमी ठीक है डॉक्टर भी क्या करे सर एक और प्रॉब्लम है डॉक्टर की जो डॉक्टर होता है ना वो सेल्फ मेडिसिन कर लेता है और साथ में पर वो अपनी या वो कह दो या बेइज्जती कह दो या टाइम नहीं है उसके पास वो डॉक्टर को प्रॉपर जाके नहीं दिखाता करेक्ट ये बात भी आपकी ठीक है आम बंदा तो डॉक्टर से अपनी पूरी ले लेता है कि टेस्ट हो गए सारा कुछ हो गया इलाज करा लिया जो डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन दी ऐसे गोली खानी ऐसे गोली उसने वैसे ये अपने पे करते करते मेन बात क्या होगी कि एक तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बॉडी की वो डॉक्टर भी नहीं कर रहे और आजकल लोगों को ज्यादा एडवाइस भी नहीं कर रहे जब बीमारी हो जाती है जब हार्ट की बैंड बच जाती है फिर बोलते हैं सवेरे सैर किया करो ऑक्सीजन दिया करो सुनता कौन है ऑस्टियोपोरोसिस सिंपल सी बात है कि आपकी बॉडी में एसिड जाता है ठीक है जैसे बिल्डिंग में अगर एसिड डालोगे तो कौन गलेगा सरिया ही गलेगा तो हमारी बॉडी का जो सरिया दैट इज बोन्स तो वही गलेगा तो गल गया उसमें बोले यार तो गल गया अब तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया मैं कहा मैं तेरे को कहता तुझे चार साल से ही बोल रहा था मेरे को नौ साल हो गए सुबह एंटासिड बोली एसिड तो अंदर ही है तो जान ही रहा तो फिर उसके बाद बड़े वो क्या करा करा दिए फिर क्या है कि जो धूप पे नहीं खड़े होता है ठीक है धूप का जो विटामिन डी का मेन सोर्स ही धूप है
ठीक है ना, सन को बोन के साथ एस्ट्रोलॉजी में ठीक है कवर करके बैठेंगे, धूप में बैठेंगे ना, तो बाजू बुजू है हाँ, और टांग को भी हमें ढूंढ लेनी चाहिए ना धूप, हाँ तो मतलब टैन हो जाएगी, टैन थोड़ा सा हो, टैन होना नहीं हमें सर, हाँ टैन डाले नहीं ना, आया आया थोड़े थोड़े ठीक है, ये मतलब रीजंस है, आपको समझ नहीं आती, सुबह दूध पीता था ना, सुबह दूध मत पिया था वो एसिड बढ़ेगा तेरा, मतलब दूध नहीं पीओगे तो कैल्शियम का नहीं होगा, मैंने जम लिया कैल्शियम तो चला गया, तो एक तो मतलब बात ये है कि जो एलोपैथी है दैट इज मोरन केमिकल्स, एक और है आयुर्वेद, ठीक है ना, तीन चिकित्सा पद्धतियाँ होगी मेरी, आयुर्वेद एलोपैथी और कौन सी है होम्योपैथी, सबसे प्राचीन होगी आयुर्वेद, एलोपैथी क्या होगी, जो आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का वो हल दे देगा, ठीक है, आपके गोडे में दर्द है आपको पेन किलर देगा गोडे वाला, दांत में दर्द है तो पेन किलर दांत वाला, अलग है, थोड़े बहुत होते हैं कि ये वहां पे ही एक्ट करेगा बी बंदर करके, बी बंदर करके वो दांत का दांत के अंदर रूट में जाएगा, दांत वाला बड़ा, इस तरह से आपको इन्फेक्शन है तो अगर गले से ऊपर इन्फेक्शन तो बड़ा डिफिकल्ट है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, फिर उसकी जो दवाई है वो बड़ी स्ट्रांग ऐसे ठीक है, लेकिन लोकलाइज है, अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो उसका दवाई देंगे उसी जगह को ठीक कर देंगे, लेकिन ये जो बाकी दो आयुर्वेद और होम्योपैथी है ये होलिस्टिक हीलिंग के बारे में, अगर सिर दर्द है तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, सिर्फ वहाँ नजर आ रहा है, यहाँ वहाँ महसूस हो रहा है, प्रॉब्लम जो है वो पूरी बॉडी के अंदर है, होलिस्टिक प्रॉब्लम है पूरी बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम, सेम इज विद होम्योपैथी, बट होम्योपैथी होम्यो का मतलब क्या होगा, सेम 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 ठीक है, जैसे अगर मिर्च खा ले आदमी कोई तो क्या फीलिंग आएगी उसको, आंखों में आंसू लग जाएंगे, नाक पानी लाल रंग का हो जाएगा, हाँ रेड हो जाएगा, हाँ जलने लग जाएगी बॉडी, नाक बहने लग जाएगी, है ना, तो होम्योपैथी क्या है कि इफ यू आर हैविंग सच अ फीलिंग तो आपको मिर्ची खिला देंगे, ठीक है ना, चोर चोरी से जाए ना सीना चोरी से जाए कहते ना, लोहा लोहे को काटता है, एक आदमी बहुत ज्यादा भाषण यहाँ जो बनाया वो आप ही होंगे ऊपर, आप ही समझे आम आदमी पार्टी, बोले केजरीवाल जी भाषण दे रहे थे, बोलते लोहा लोहे को काटता है हीरा हीरे को काटता है, इतनी देर में जो है केजरीवाल को कुत्ता काटेगा, तो होम्योपैथी क्या है कि वही जो सेम प्रॉब्लम है उस जो जिस चीज से वो पैदा होती है जो हमें बताया तो वही चीज बड़ी छोटी सी क्वांटिटी में कम क्वांटिटी में खिला देते हैं तो उसका उपचार करता है, कहाँ प्रॉब्लम है इस पे वो नहीं जाएगी, ठीक है, दिस इज व्हाट इज होम्योपैथी, आयुर्वेद है सबसे प्राचीन और सेम पुरानी, कब से है वी डोंट नो, आयुर्वेद के साथ एक और है यूनानी, वो सेम ही इसी की है, बीच में इसकी बहन ही है, जगह अलग अलग से वही उसकी जड़ी बूटी जैसी उस जमीन में मिलती है वैसी उन्होंने दवाई दे दी है, यहाँ पर जो बेसिक है वो ये लिवर को पकड़ता है, बस लिवर फिट कर दिया भैया तू सब सही मिल ली है, बट आयुर्वेद यूनानी क्योंकि वो प्राचीन साइंसेज हैं विज्ञान है, ये पंच महाभूत पे जब जब भी है ठीक है, ये पंच महाभूत पर निर्भर करते हैं, ठीक है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस, अर्थ क्या होती है सॉलिड पार्ट हो गया ना, ठीक सॉलिड पार्ट होता जैसे बिल्डिंग का सरिया हो गया, बॉडी की बोन्स हो गई, मास्क हो गया, ये अर्थ हो गया, तो
वाटर अर्थ नहीं, ठीक है, तो ये अर्थ है या वाटर है या फायर है या एयर है, क्या है? तो ये आदमी का नाम था जेम्स वाट, नाम सुना होगा, ठीक है, बिहार में उसको क्या कहते हैं, वाटवा, वाटवा, ठीक है, आज उड़ रहा है, ठीक है, जब आज उड़ रहा है, जैसे पंजाबी के अंदर दी लगाते हैं, हाँ, लगवा, ऐसे, और जो बंगाली में क्या लगाते हैं, दा, ठीक है ना, बर्मंदा, दा मतलब बड़ा होता है, तो जेम्स वाटवा ने पानी उबलता देखा पतीले में, उसके ऊपर वो लिड रखी हुई, वो लिड जो है नीचे की थी, वो कहता है कई बार ज्ञान आ जाता है, तो उसको आता था न्यूटन को, सेम गिर गया, पहले भी गिरता देखे होंगे, कई चीजें गिरती देखी होंगी, आज को ज्ञान आया वो, मतलब कभी आ जाता है किसी की कोई उस पर के ऊपर कोई कोई रोक टोक या कुछ नहीं कह सकते। तो ये H2O है, ये क्या हो गया, वाटर। तो जेम्स वाटवा ने कहा H2O इज फायर, ठीक, वो उसने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया उसने, क्या बनाया था उसने, स्टीम इंजन, सबसे बड़ी खोज है जेम्स वाट की, खोज किया स्टीम इंजन। स्टीम क्या करती है, एनर्जी देती है, तो इतनी बड़ी ट्रेन जो है वो पानी में से निकली है फायर, ठीक है, गाना सुना ना आपने, तो कौन सा, पानी में जले मेरा गोरा बदन, अगर पानी में आग लग गई तो फिर बताओ क्या फायर, कैसे नहीं आप कर रहे वाटर, ये फायर है ना, फायर। तो क्या है कि अगर हम पानी को हीट करते हैं और उसकी स्टीम अंडर प्रेशर रहती है तो दैट इज फायर, दैट इज एनर्जी, ठीक है। और ये जो पानी नॉर्मल है, जैसे ये जो पानी है, कॉफी ले, मम्मी ने देती रस्ते में पकड़ा दी, माँ है, हाँ माँ जो है वो गिलास में पानी है, दिस इज वाटर, ठीक है। लुधियाना में बर्फ कब गिरती है, लुधियाना में बर्फ कितने और कितने बजे गिरती है, जब गिरती है जो बर्फ है, बर्फ क्या होगी, ये अर्थ होगी, जो अर्थ इज अभी वेट और शेप और स्टेबिलिटी, so that is not in fire, that is not in water, water में तो नहीं है, water में क्या है, shape नहीं है, weight है और stability भी नहीं है और fluidity movement, ठीक है ना, movement है उसके, weight जो है वो earth से कम है, क्योंकि अगर आप पानी के अंदर पत्थर डालोगे तो पत्थर पानी के नीचे बैठेगा, ठीक है। फायर क्या है, इसके अंदर शेप है नहीं, वेट है नहीं, स्टेबिलिटी है नहीं, कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एनर्जी है, H2O जो है वो एयर है, वेपर्स में तो यस, वेयर इट इज वेपर्स, नॉट अंडर प्रेशर, देयर इट इज एयर, इस समय में कमरे के अंदर भी वाटर है ना, ठीक है। तो H2O ऐसा मॉलिक्यूल है जो सब बन सकता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता रूम टेम्परेचर से, तो ये बन जाएगा, ये और केमिकल्स में भी हो सकती है, तो वाटर इज ये जो चारों इसमें पंच महाभूत में चार में ये हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। एयर क्या हो गया, एयर में फ्लूडिटी ज्यादा है, नॉइज भी है और ड्राइनेस है, कपड़े
कहाँ से आते हो? धूप नहीं भी हो और हवा भी चल रही हो तो भी सूख गए। ढोल बैठता किस वजह से? एयर में से एयर भी। ठीक है, और जब ढापा हो तो कड़कड़ा बाजी आती है, सूख जाता है, एयर आ जाती है ज्यादा, एयर सूख जाता है, जॉइंट सूख जाते हैं, फिर कड़कड़ा बोलते हैं सारे। ठीक है, स्पेस इज स्पेस, स्पेस तो स्पेस है। ठीक है, चार घंटे पढ़ाऊंगा लगातार तो आप बोलोगे स्पेस, कुछ टाइम दे दो। अब बिल्डिंग अगर हम बनाएं, बिल्डिंग तो उसमें क्या क्या चीज होती है, क्या क्या सॉरी कौन कौन से इंग्रेडिएंट आते हैं शुरुआत में? सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, स्टोन्स और सीमेंट, सीमेंट और पानी, वाटर, फिर बाकी ब्रिक्स, मदरबोर्ड, यहाँ पर सैंड। अर्धी कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? सरिया, कंक्रीट एंड सैंड, इसका मिश्रण आता है। सैंड जब बोरी में तो आता है, लेकिन जब बोरी में से निकल गई तो वो एयर, वो डस्ट उड़ती रही। ठीक है, ब्रिक्स हैं वो भी स्टेबिलिटी देती हैं, उसमें भी वेग शेप स्टेबिलिटी है, जो सरिये में है, जो स्टोन्स में है, जो ब्रिक्स। अब इसको क्या रहते हैं मिला के, फिर क्या करते हैं इसमें? सीमेंट डालते हैं और फिर इसमें पानी डालते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? वाटर सरिया स्टोन ब्रिक्स सैंड अगर मारा है तो वो जुड़ते बाइंडिंग क्यों होती है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम सीधा ये डाल देंगे तो नहीं बनती बिल्डिंग, जब हम ये सभी चीजें डालेंगे तो ही बनती है। सेम है हमारा भोजन। ठीक है ना, बच्चा क्या क्या खाता है? बच्चा क्या खाता है? बच्चे को छोटे बच्चे दूध, उससे बड़े वाला सर फिर वो कोई भी दलिया हो गया, कोई खिचड़ी हो गई, हम सीरियल हो गया, सीरियल सीरियल में वाटर डालना पड़ेगा और फायर डालोगे ना। आप दाल बनाओगे, चावल बनाओगे, खिचड़ी कर रहे हो तो उसमें पानी डाल के जब तक बॉइल नहीं करेंगे, रोटी उसको बनाएंगे तो पानी डालना पड़ेगा। पानी के बाद जब तक उसको हीट नहीं करोगे तब तक रोटी नहीं बनेगी। कणक को वैसे तो नहीं खाई जाएगी, पेट बचाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो बच्चा जब छोटा है तो वो क्या पसंद से खाता है, दैट इज रोटी, घी, गुड़, मतलब मीठी कोई भी चीज। तो जो घी है दैट इज ऑल्सो स्वीट, जो गेहूं है वो भी स्वीट, जो चावल है वो भी स्वीट, गुड़ है या शुगर है दैट इज ऑल स्वीट। जो भी स्वीट चीजें हैं दे आर अर्दी थिंग्स, उसके अंदर वाटर डाल दो और उसको हीट दे दो उसको लाइट करने के लिए और वो खाता है और लंबा हो जाएगा, उसकी बिल्डिंग पूरी बन जाएगी। इसलिए बिल्डिंग को बनाने के लिए स्टार्टिंग में भी एक चीज डालते हैं, ये जो अर्थ, वाटर एंड फायर। ठीक, अर्थ और वाटर को जब हम मिक्स कर देते हैं फिर तो क्या करेंगे, सरिया, स्टोन, सैंड और वाटर, इनको मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस मिक्सचर को क्या कहते हैं आयुर्वेद में, दैट इज कफ। तो जो बचपन है उसमें कफ प्रधान था। ठीक है, जब उस बच्चे की बिल्डिंग बनती है, चाइल्ड इज बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बनती है तो जब बिल्डिंग बन जाती है फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स बदलने लगते हैं। जब उसका स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो फिर क्या उसमें लगाते हैं, पिलर खड़े करती है, ब्रिक्स,
से वॉल खड़ी होगी, उसके बाद क्या करेंगे उसको? प्लास्टर। प्लास्टर के बाद फिर सर कोई इवैक्यूएशन आगे होगी, पेंट करेंगे। ठीक है, चूना लगेगा। ठीक है, सफेदी करोगे? चूना, सॉरी चूना यहाँ लिख दिया। क्या क्या डालेगा? चूना, पेंट और फिटिंग्स। फिटिंग्स कौन सी? बाथरूम फिटिंग्स, बिजली की फिटिंग्स और सारा कुछ। टाइल्स लगेगी, मार्बल लगेगा, ऑल डेकोरेशन, ऑल डेकोरेशन। ठीक है, और लाइटें भी लगेंगी। लाइट क्या होगी? फायर। ठीक है, और लड़की जब हाइड्रेट कर लेगी फिर क्या खाएगी? फिर उसके टेस्ट बदल जाएंगे। पहले तो खाएगी आइसक्रीम, चॉकलेट, ठीक है ना, खीर, बर्गर। फिर उसके बाद फिर जो है वो आग लगेगी, चटपटी। ठीक है, फिर उसके आग लगेगी जिगरमा, बढ़िया। ठीक है, लड़का क्या करेगा? ड्रिंक वगैरह जाएगा, कोई ऐसी स्मोक वगैरह, एक आते जान दूसरे आते मार, स्मोक हो गया, ड्रिंक हो, फायर। ठीक है, और बटर चिकन, बटर सारे फायर हो। ठीक है, और मोटरसाइकिल लेके जो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन यही कुछ करेंगे। टेस्टोस्टेरोन ही करते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन इज प्रिंट। ठीक है, और लड़की जो है उसकी मोटरसाइकिल पीछे बैठती है। जो बचपन है वो काफी है और जो जवानी है वो भी तेज है। ठीक है, और एसिडिटी रहती है, इस एज में एसिडिटी रहती है। तो वो क्या करती है? साली को जीजू एक रसगुल्ला खा, एक जीजू, एक जीजू का तो नहीं, और नहीं एसिडिटी। हेलो, हाँ जी, हाँ ले ली मैंने वीडियो। शिमला में वो भी नहीं आ रहे, फोन आया। हाँ, कैसे प्रॉब्लम है आपके साथ हम बैच की? वो दैट डे आई वुड सेड आई कैन टेल देम टू कम। अब ये होगी जवानी। अब जो बचपन है उसमें ज्यादातर क्या बीमारियां रहेंगी मैडम? आप जब बिल्डिंग बन रही होती है तो क्या होगा? हर जगह से लीक कर। ठीक है, तो वही बीमारी जो बिल्डिंग को होगी वही बीमारी इंसान को। और जो जवानी में एसिडिटी, ठीक है, पिंपल्स, पिंपल्स आने लग गए मतलब जवानी आ गई। ये कहते हैं ना, थोड़ा जवान हो गए पिंपल आ गए, है ना। और बुढ़ापे में क्या होगा? बड़ा वीक ना, सारा कुछ ही हो गया, सब पॉइंट्स हो गए, लग गए बाल वाइट हो गए सारा कुछ। ठीक है, तो क्या रेडियो पड़ने लगे? ठीक है, जॉइंट्स जो है वो ड्राई होने लगे, तो कैप्स आ जाते हैं जॉइंट्स। ठीक है, जो सीमेंट और कंक्रीट है वो शरीर को छोड़ देती है, जो मसल है वो हड्डी को छोड़ने लग जाती है 85 के बाद छोड़ती है। 45 55 के बाद छोड़ने लगी है। सर अब क्या है, जब बात है सभी के गोड़े दुख रहे हैं, सर छोटा छोटा तो छोड़ मेरी 60 इयर्स एज है, मैं सिर्फ 30 इयर्स के बाद मेरे साथ ईवन लग जाए। सर होता है, सर जो हो रहा है वो बता रहे हैं ना, सर खाना अच्छा नहीं ना रहा सर।
प्रॉब्लम सिंपल सिंपल फूड नहीं है, जो सिंपल भी है वो भी अच्छा नहीं है। फ्रूट खा लो कि सिंपल है, पता ही नहीं फ्रूट में क्या है, केमिकल्स अंदर जा रहे हैं दैट वो सारे हमारी बोन्स को और उन चीजों को खराब कर रहे हैं। ये जो बुढ़ापा है बाद इसमें ड्राइनेस होगी, स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, लाठी लाठी लेकर चढ़ना पड़ता है, अगर लाठी लेकर नहीं चढ़ेंगे तो गिर सकते, वही बिल्डिंग की हालत होती है, वो कभी भी गिर जाएगी कह नहीं सकते। और शहनाज हुसैन जितनी मर्जी चूना लगा ले पता चलेगा बिल्डिंग पुरानी है ना। तो ये कफ पित्त और बात एज है, दैट इज विद द बिल्डिंग आल्सो एंड दैट इज विद द बॉडी आल्सो, ठीक है। तो जब भाई आप एसिड डालोगे भाई है ना, जब एंटासिड खा रहे हो इसका मतलब बॉडी में एसिड जा रहा है, तो जो बॉडी का जो सरिया है दैट इज बोन्स, इसलिए जो डॉक्टर साहब जो है वो एसिड की जो गोली ले रहे हैं तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एसिड आपका अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको एसिड बाहर निकालना है, या तो ज़्यादा पानी पी के सुबह निकालो या बेसिक फूड लो जैसे एलोवेरा है, घी का जूस है, ये आपको लेना पड़ेगा अगर आप बाहर निकाल सकते हैं। वाटर इन दी मॉर्निंग वो निकलता है, ये तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, धूप में भी खड़ा होना पड़ेगा। अब ये हो गया कफ पित्त वात। ये क्यों मैंने बताया कि जो आयुर्वेद है वो भी एंशियंट साइंस है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी एंशियंट साइंस, तो ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के साथ जल करते हैं, ठीक है। एलोपैथी नहीं कर इसी से समझ आ सकते, ठीक है। अब खाना खाने के बाद क्या बनता है, नहीं नहीं खाने का क्या बनता है, खाने का ब्रेक हो जाता है। तो मैं सिंपलीफाई करता हूँ, आपने कहा खाना खाते समय क्या होता है एसिड बन जाता है, एसिड एसिड तो पेट में जाता है, नहीं नहीं एसिड जो होता है ये स्टमक में होता है, कहाँ से आता है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास और स्टमक से, ठीक है। तो इस एसिड को क्या कहते हैं, बाइल, और हिंदी में इसको कहते हैं जठरागनी या फिर कहेंगे डाइजेस्टिव फायर। डाइजेस्टिव फायर भूख लगेगी तो इसका मतलब जो है पेट के अंदर क्या आ गया, बाइल जूस आ गया, पैनक्रियाटिक जूस आ गया, स्टमक स्पेसिफिक जूसेस आ गए इसका मतलब, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आ गया डाइल्यूट कंसंट्रेटेड तो भूख लगने चल जाएगी। अब इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, हायर मतलब हायर मतलब कलेसर, ठीक है, मतलब 6.54 एसिड, और उसको हमने बेसिक फूड देना, बेसिक फूड देंगे तो अगर डाइजेस्टिव फायर ठीक है तो क्या बनेगा, रस। अगर डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है तो क्या बनेगा, खाने के बीच में गैप नहीं देते डाइजेस्टिव फायर नहीं बनेगी, आप एक्सरसाइज नहीं करते डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं बनेगी, और डाइजेस्टिव फायर की बैंड खुद ही बजा दी, कैसे बजा दी, बैंड डोमिनोज का पिज्जा विद चिल्ड पेप्सी सवेरे को, क्योंकि जो डाइजेस्टिव फायर है वो आपने बुझा दिया, तो डाइजेस्टिव फायर को टेम्परेचर जो है हायर चाहिए ताकि फूड को वो बचा सके। और क्या किया आपने, प्रोसेस्ड फूड ले लिया, प्रोसेस्ड फूड ये वॉल्स में भी जमेगा और इंटेस्टाइन में भी जमेगा, जमेगा, और यहाँ जमेगा और यहाँ जमता जमता खून में जब जाएगा तो फिर जो है ये चिपचिपा है तो ये हर जगह क्लॉगिंग करेगा। अब कहाँ करेगा ये कोई नहीं जानता, ये हार्ट में क्लॉगिंग करेगा, ये गोड्डों में करेगा, ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कहाँ प्रॉब्लम आएगी, ज्योतिष इसमें हेल्प करती है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो अगर आम बनती है ये मुसीबत करेगी, और अगर आपने
कि डाइजेस्टिव फायर ठीक है, दिस इज हाउस नंबर 5, डाइजेस्टिव फायर ठीक है आपकी, तो यू विल बी हेल्दियर। न्यूट्रिशन जो है बॉडी को पूरा मिलेगा। तो रस के बाद क्या बनता है? रक्त, ब्लड। ब्लड का थोड़ा सा पोर्शन बनता है फिर मसल, मसल का थोड़ा पोर्शन बनता है फैट, मांसपेशी। फैट का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो बनता है बोन्स, हड्डी, का थोड़ा सा पोर्शन जो है उसके अंदर जो होता है दैट इज बोन मैरो, और बोन मैरो से बनता है विनस, शुक्राणु। फिलिप्स से ना सीधे आ गया हूँ, एक ही चौराहा आएगा उससे लेफ्ट। उसके बाद वीनस, जो ये जो है ये जेनरेटिव सिस्टम। बच्चा छोटा होता है, खाना खाता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मसल मांसपेशी, ठीक है। जब उसकी बिल्डिंग जब पूरी खड़ी हो जाती है तो उसका शुक्राणु बनता है, करेक्ट है? और सर मैं कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है, तो उसके शुक्राणु बनने और ये का फेज होती है। जब शुक्राणु बनने शुरू हो गए अब फिर तेज स्टार्ट हो, जब ये शुक्राणु बनने बंद हो जाएंगे ये क्या आ जाएगी अराउंड 45, फिर ये डीजनरेशन शुरू हो जाएगी। पहले ये शुक्राणु खत्म होंगे क्योंकि बोन मैरो कमजोर होगी। बोन मैरो कमजोर होगी क्यों? ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और बोन ने फैट और मसल को छोड़ दिए। कोई जो आप कह रहे थे आजकल तब छोड़ना शुरू करते हैं, चलो अभी तो मेरे 30 साल बाकी है, 16 साल 256 महीने, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ब्लड का हीमोग्लोबिन इतना डाउन हो जाता है फिर बंदा के। अब आयुर्वेद को एस्ट्रोलॉजी में कैसे ला रहे हैं हम? ये जो हाउस नंबर 5 है दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम विच विल मेक द रस। अगर ये आम चली गई तो ये इंटेस्टाइन में चली जाएगी और फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो बीमारी होती है वो और ज्यादा खतरनाक होती है। बीमारी शुरू यहीं से होती है, कहाँ से? 5 से। अगर यहाँ डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम शुरू होगी। डाइजेशन प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? या तो आप खाने के बीच में गैप नहीं है, 15-20 दिन में महीने में एक बार व्रत भी रखो, थोड़ा थोड़ा खाते हो तो गड़बड़ रहेगी क्योंकि एसिड बॉडी में या डाइजेशन के लिए बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम आएगी। ठंडा पानी पीते हो या ठंडी पेप्सी एडवर्टाइजमेंट देख के पीते हो और एक्सरसाइज भी करते हो और रात को जागते हो दिन में सोते हो, दिस इज ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ क्योंकि बॉडी का जो नेचुरल क्लॉक सिस्टम है वो गड़बड़। तो जब आपने समझ लीजिए बीफ खा लिया, चीज खा लिया, ठंडा उसके ऊपर पेप्सी पी लिया तो क्या होगा? ये यहाँ पर फंसेगा, फंसने के बाद ये जब टर्निंग पे फिर फंसेगा और यहाँ पर टर्निंग पे फिर फंसेगा। इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांस कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। तो जब यहाँ फंसता है तो इसलिए फंसता है क्योंकि हम ऐसा फूड खाते हैं जो इंटेस्टाइन में फंस के निकले आराम से निकले। कौन से फूड है? चीज, मैदा, बीफ,
इसीलिए जिन कंट्रीज ने सबसे ज्यादा तरक्की किया है मेडिकल साइंस में, जिसका नाम है अमेरिका, उसमें सबसे ज्यादा ये कॉलन कैंसर है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा तरक्की किया है, इसलिए उनको आज तक नहीं पता खाना क्या है। तो वो अब हम खा रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं ये खाओ, KFC का फूड खाओ, डोमिनोज का पिज्जा खाओ। बहुत खुश है तो डाइजेशन बिगड़ेगा तो सारी बीमारी हो जाएगी, ठीक। तो जब यहाँ पर यहाँ जब फंसता है तो फिर क्या होता है कि फीलिंग तो आती है लेकिन सुबह होता कुछ नहीं। जो वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं उनका 12 घंटे के अंदर स्टूल पास हो जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं खासकर जो रेड मीट है, सो देन में टेक 72 आवर्स एंड मोर। देयरफॉर जो है वो जो लोग जो हैं यूरोप में तो इतना नहीं है, लेकिन यूरोप से अमरीका में बहुत ज़्यादा, यूरोप में भी है अमरीका में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे टेक इन नॉन वेज सो उनमें डिजीज ज़्यादा है। तो ये जो 5 है दिस इज गुड हाउस फॉर हेल्थ, क्योंकि अगर बढ़िया रहेगा तो बीमारी नहीं होगी। इंटेस्टाइन जो है ये डिजीज देगी, सो दिस इज बैड हाउस। लार्ज इंटेस्टाइन जो है दिस इज ऑल्सो बैड हाउस, ये देगी क्रॉनिक डिजीज, ये देगी मेमोरी डिजीज। क्यों देगी डिजीज, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड का बनता है रस, मतलब रस बनता है, तो अगर हमारे को भूख नहीं लगी हम फिर खाते हैं तो फिर वो आव बन जाती है, भूख नहीं लगी हमने खा लिया। तो इसका मतलब क्या है, अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेज है अभी आए नहीं है, दे हैव नॉट कम टू डाइजेस्ट। कहाँ से आते हैं डाइजेस्टिव जूसेज, गॉल ब्लैडर, लिवर से आते हैं, लिवर से गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से स्टमक, और कहाँ से पैनक्रियास से, और कहाँ स्टमक से, किडनी से। तो यहाँ से आएंगे भूख, तभी हमें फील होगा कि मतलब भूख लग रही है, ठीक है, और हमने खाना खा लिया, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इज गुड और भूख लग रही है, फूड हमने ठीक वाला खाया। ठीक वाला फूड कौन सा हो गया, जो रूम टेम्परेचर पे है या रूम टेम्परेचर से ज़रा सा हायर है, वो हमने खा लिया, पेट हमारा भर गया, छोड़ दिया। ज़्यादा खाएंगे तो क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जो जूसेज है पूरे नहीं है तो नहीं बचेगा। कम खाने में कम खतरा है, लेकिन कम खाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एसिड बना रहेगा, खाना पूरा है हमने खा लिया तो ये स्टमक से इंटेस्टाइन में आ जाएगा। हमने मंगा लिया डोमिनोज से पिज्जा, ऊपर दिल्ली पेप्सी, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी करती है, जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है वहाँ पर डाउन हो गया, क्योंकि चिल्ड पेप्सी पी, चिल्ड पेप्सी पीते हैं फिर हम क्या करते हैं, आहा तो वजह से करते हैं, एक तो वो करें कि करो, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं तो पेट फूल जाता है, फूल जाता है फिर डकार आता तो यहाँ फिर अच्छा लगता है, तो लगता है कुछ बढ़िया हो गया आज ही पेप्सी, ठीक। तो डकार आता है तो हमें अच्छा लगता है, बट CO2 इज नॉट गुड फॉर अस, आहा नहीं है ये, फिर सुबह क्या होता है वो। लेकिन अगर फुलका सब्जी खाई या दही या सलाद दिया हुआ है तो दैट इज नॉर्मल, जो फूड है दैट इज ओके। और जब ये ठंडा फूड है और चीज़ है या रेड मीट है तो ये यहाँ फंसेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, हाउस नंबर 8 इज लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हाउस नंबर 6, ये यहाँ पर फंसता है। तो जो रेड मीट खाते हैं, चीज़ बोन खाते हैं, मैदा खाते हैं, ब्रेड्स, तो पता चला ब्रेड में बीमारी, तो ये फंसती है यहाँ पर, फंसती है जैसे वो होगी कौन सी ब्रेड होगी, सबवे मैदा, तो ये यहाँ फंसता है तो सुबह फिर वो फीलिंग आती नहीं पूरा, या तो स्टूल पास नहीं होता या फिर होता ही नहीं। मीट विल टेक 72 आवर्स, तो ये अंदर ही अगर सड़ता रहेगा, आप खुद ही सोचो खाना आप फेंक दो तो चीटियाँ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते, और अगर आप मांस का टुकड़ा फेंक दो तो कितनी तेजी से जो है
कीट पतंगे आते हैं, तो वही हमारे पेट को आता है, हमारा पेट भी जंक बन जाता है, ठीक है। सो सिक्स इज बीमारी का घर, एट इज ऑल्सो बीमारी का घर। तो ये जो आम जब इसके अंदर आ जाती है तो ये भी चिपचिपी होती है, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर फंस जाएगी, तो वो चिपचिपाई चिपचिप करके जितनी भी चीज इसके अंदर आए उसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, है ना। तो वो कहाँ जम जाए कह नहीं सकते, अगर बहुत हाई हो गया कहाँ जम जाए कह नहीं सकते। हार्ट में जम जाए तो हार्ट की नाली बंद हो जाए, जॉइंट में चली जाए जॉइंट की बंद हो जाए, काम क्या हो जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। तो सिक्स इज बीमारी, एट इज बीमारी, फाइव क्या हो गया, गुड हाउस। और गुड हाउस कौन सा हो गया, हाउस नंबर 11। 11 हाउस नंबर गुड क्या हो गया, दिस इज बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होती है, बोन मैरो ये बोन, और बोन मैरो कहाँ होती है, हिप्स में, हिप्स से जुड़ी है, हाँ फिर उसमें भी होती है यहाँ पे, ठीक है, हिप्स से जुड़ी है, टांग में होगी और चेस्ट जो अंदर यहाँ होती है थोड़ी सी यहाँ भी होती है, ठीक है। बट मेनली जो होता है सर बोन मैरो, बोन मैरो बताओ, बस और जो बोन के अंदर यहाँ पे ब्लड बनता है, सारे बनते हैं डब्ल्यूबीसी आरबीसी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये बोन मैरो, ठीक है। और इसका जो मेन जो एक और कारण भी है, इससे शुक्राणु भी बनते हैं, ठीक है। सो दैट दे स्टार्ट जनरेटिंग व्हेन द चाइल्ड इज से 14 15 16, डिपेंड्स। और वो कब तक बनेंगे, लड़की होगी तो 45-50 तक बनेंगे और आदमी होगा तो बनते बनते, ठीक। तो उसके बाद जब ये पहले फूड फिर रस फिर रक्त, मतलब जो खाना खाया उसका थोड़ा सा पोर्शन ब्लड बनेगा, ब्लड का थोड़ा सा पोर्शन मसल बनेगा, उसका थोड़ा सा पोर्शन फैट डिपॉजिट, उसका थोड़ा सा पोर्शन बोन्स, और उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है बोन मैरो, और फिर शुक्राणु। तो देखिए इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 15 एंड एट 45 इट एंड्स, 45 के बाद उल्टा चलने लगेगा, डीजनरेशन, वीनस बंद हो जाएगा, तो बनना क्योंकि बोन मैरो कमजोर हो जाएगी, बोन मैरो को कमजोर हो जाएगी क्योंकि बोन्स की ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स कमजोर क्यों हो गई क्योंकि फैट और मसल ने भी बोन को छोड़ दिया, जब उन्होंने छोड़ दिया तो इसका मतलब अब हीमोग्लोबिन भी अब रिडक्शन पे, बस चला बचपन है कफ, जवानी है पित्त, बुढ़ापा है वात, ओके। अब इसमें नाइन्थ हाउस भी गुड हो गया क्योंकि दिस इज ऑल्सो बोन मैरो। फर्स्ट हाउस क्या हो गया, डॉक्टर साहब फर्स्ट हाउस की हो गया, सेल्फ तो वैसे ही हुआ ना, पर बॉडी की ब्रेन हो गया, और क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हो सारा प्रोड्यूस है, सब कुछ इसी ने तो करना, सब कुछ इसी ने करना, फिर मैं अभी तक क्या करा कंट्रोल क्या प्रोड्यूस करना, तो यही जो है T3 T4 TSH को कंट्रोल करना, और खीर उसको खीर खाने का दिल कर रहा है, तभी बना रही है, ऐसे नहीं बना रही, ठीक है ठीक है। जब उन्हें चलो आज बाहर खाते हैं कुछ बढ़िया सा बना देते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब भी अपने मम्मी ने दिया, डॉक्टर साहब भी उन्होंने मम्मी समझने हैं, कह देना जरा प्लीज, है ठीक है ठीक है, हाँ नहीं मैं समझ गया, ठीक समझ गया, नहीं नहीं अरे नहीं अरे ठीक अरे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इफ यू आर हैप्पी तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, यू आर हैप्पी सो योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी गुड। एक आप खुश हो, आप म्यूजिक सुन रहे हो अच्छा, जो आप खुश हो वो म्यूजिक नहीं है, एक तो है रात मतलब रैप म्यूजिक, वो रात को बजे, मैं नहीं कह सकता कि उसी से ही एंजॉय करते हैं, मतलब इससे नहीं, मैं नहीं जानता मतलब उसी से है, बट अंदर एक फीलिंग है, ठीक है। फीलिंग कैसी है कि जब रैप
रैप म्यूजिक हुआ तो टांगे लेंगे ऐसे, आपको पता चल जाएगा कैसे पता चल जाएगा। ये हमारा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है ना। या दूसरी तरीके से हम कह लें ये फायर है, ये अर्थ है, ये एयर है और ये वाटर है। क्या मतलब है कि ये फायर इतना यहां तक डटा, फायर कैसे हो गया, कैसे फायर हो गया, जब गाड़ी में एसी चलेगा तो आपका दिल करता है मुंह पे उसको ले लो जो गर्मी को, आप कभी नहीं दिल करता कि मैं उसको चेस्ट पे लूँ या टांग पे लूँ, क्योंकि इसमें लेते हैं तो यू फील रिलीव्ड। पंखा भी जलते हैं तो मुंह पे जलते हैं, कभी किसी को देखा ऐसे पंखा जलते हैं अपनी स्पीड पे नहीं देखा ना। यहाँ पर हमें कूलिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये हमारा जो है माइक्रो प्रोसेसर है ये ठीक है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर ठीक है, ठीक हीट स्ट्रोक भी यही पड़ता है, हीट स्ट्रोक यहाँ नहीं पड़ता। फिर ये गड्ढे से ये गड्ढा, ये क्या हो गया चेस्ट पोर्शन, यहाँ से लेके सर अपना विदुषी से लेके हार्ट सेंटर, ठीक है ना, ये चेस्ट हो गया, ऐसे साल आगे ये एयर हो गया, और यहाँ से फिर नाभि तक क्या हो गया, या इंटेस्टाइन जो स्टमक होते हैं तो वाटरी डिजीज अगर होगी तो यही होगी, और इससे नीचे जो है दैट इज अर्थी, इसके नीचे अर्थी है। तो अगर आपका यू हिलता है किसी में म्यूजिक में तो इसका मतलब जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड हिल रहा, ठीक है ना, फायर इज आत्मा। जब आपका यू चलता है फिर ठीक है, जब अंदर जब स्पिरिचुअल हो जाता है फिर यू चलता है, ठीक है। बट दैट स्पिरिचुअल जो है वो स्पिरिचुअल इज फॉर शॉर्ट टाइम, एंड दैट वो जो है वो शरीर को खराब करती है, ठीक है ना। दूसरा स्पिरिचुअल जो आपने भजन कह दिया तो वो ठीक है, एक यूनियन ये वाला था, ठीक है, वो रोमांटिक में हो जाता ऐसे वाला रोमांटिक में हो जाता, ये वाला भजन में होगा तो आप अब देख लेना कौन सा लाना है, कब और ये ला रहा है वो बैलेंस कर देना, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अगर आपका ठीक है तो पूरी बॉडी जो है बैलेंस हो जाती है, ठीक है, दैट कंट्रोल्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को करेगी ना सभी सभी सिस्टम, थायराइड, अरे वो थायराइड को करेगी, थायराइड आगे कर देगा, ठीक है ना। अब इसका नॉमेनक्लेचर बना लेते हैं हम, फर्स्ट हाउस हो गया क्या सेल, फिफ्थ हाउस स्टमक, नाइन्थ हाउस बोन मैरो, इलेवेंथ हाउस अगेन बोन मैरो, ये गुड हाउस, गुड हाउस सिक्स एट और ट्वेल्व ये हो गया स्मॉल डिजीज, ये क्रॉनिक डिजीज, ये एक्सपेंडिचर लॉस डेथ हॉस्पिटल, ये बुरे हुए, ठीक है। वैसे भी क्या हो गया, ये छठा क्या हो गया इंटेस्टाइन, आठवां क्या हो गया लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, फोर और टेन जो हो गए ट्वेल्थ फ्रॉम फाइव, टेंथ क्या हो गया ट्वेल्थ फ्रॉम इलेवन, तो ये भी खराब हो गया। ये क्या है कि इम्प्रूवमेंट को रोके, अगर आप बीमार हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट को रोके, सचन नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ डिजीज, जुपिटर
नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ गुड हेल्थ। मार्स केतु सर्जरी, राहु केतु कंफ्यूजन, ठीक है मतलब डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन। क्या खाना होता है सर्दियों में? क्या खाना होता है ठीक है। रोटी में क्या क्या डालते हैं? रोटी कितने कौन सी तरीके होती है? तेल क्या क्या डालते हैं रोटी के अंदर? आग जलाने के लिए तेल डालते हैं सर, तेल डालते हैं ठीक है। तो सर्दी में क्या खाने हैं? तेल गजक खाने। और क्या डालते हैं? तेल तेल डालते हैं, पॉपकॉर्न डालते और हल्की लकड़ियां मतलब जो है जो सब्जी जो मौसमी सब्जी है वो खानी। एक घी डालते हैं तो घी प्लस सब्जी कर लो, और हैवी वुड स्टफ भारी लकड़ी तो वो भारी लकड़ी क्या होगी? अर्थ। इसका मतलब गेहूं, गेहूं पराठे बनाए खाने। और क्या डालते हैं? मूंगफली। तो इसका मतलब ड्राई फ्रूट भी खाने, मूंगफली खाओ आप। साग तो आ गया ना वो जो उस समय का ठीक है ये। और दूध के अंदर भी आप मेवे डाल सकते, ये तो सर्दियों का होगा। और जो जमीन होगी वो सब पैदा करेगी, सर्दियों की जो चीजें पैदा करेगी अपने आप आंवला पैदा करेगी, विटामिन सी वाला सेब पैदा करेगी, ऑरेंज पैदा करेगी, पालक पैदा करेगी, सब पैदा करेगी ठीक है। गर्मियों में क्या पैदा करेगी? जो हमारी बॉडी में सर्दियों में जो चाहिए वो पैदा करेगी, गर्मियों में जो पैदा चाहिए वो पैदा करेगी। क्या खा रहे हो आप? खरबूजा, तोरियां ठीक है। गर्मी में क्या चाहिए? वाटर, डिवाइड ऑफ वाटर। सर्दियों में की क्या है? वी नीड मोर एनर्जी, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो क्या करते हैं बॉडी क्या करती है? जो हमारा जो ब्लड जो वेसल्स है इसको पतला करती है। इस समय पे सारी वेसल्स नजर आएंगे क्योंकि ब्लड बाहर की तरफ आ गया। जो बाहर की तरफ आ गया उसको पानी निकालना है। अगर वो पानी नहीं निकालेगा तो माई बॉडी विल कोलैप्स, पसीना निकालना। सर्दियों में क्या करेगी? वो ब्लड श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक क्यों कर जाएगी? कि ब्लड स्ट्रीम जितनी यहाँ पर चलेगी उतनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी बॉडी को बाहर की ठंड से लड़ने के लिए। और सारा ब्लड जो है कलेक्ट हो जाएगा स्टमक के। अब स्टमक बोलेगा मार ला भूख लगी। गर्मियों में क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा। अब वो स्टमक बोलेगा पानी ला ब्लड स्ट्रीम को चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या मिलेगा गर्मियों में हमको? वाटरमेलन और मैंगो है तो मैंगो का भी बड़ा अजीब नेचर, नेचर का कमाल। लू चलेगी तो हम भी गिरेगी, हम भी जो है वो लू से फाइट करते ठीक है ना, लू से बचाने के लिए हम भी। तो गर्मियों में हम जो है जो रोटी की जगह जो सीरियल यूज करेंगे, लाइट यूज करेंगे, बॉइल्ड राइस। इधर क्या करेंगे? सर्दियों में अगर राइस खाने हैं तो हम बिरयानी खाएंगे। गर्मियों में क्या करेंगे? बॉइल्ड राइस, छाछ, ये क्या तरबूज लस्सी है ना, ये सब। और गर्मी सर्दियों के अंदर रिच फूड है। और गर्मियों और सर्दियों के बीच में क्या है? बैलेंस होता है। तो बसंत पंचमी का व्रत, बसंत पंचमी का व्रत क्या होता है? उससे धूप तेज होनी शुरू होती है तो तब से फिर कफ शुरू हो जाती है क्योंकि जो आपने कफ वाला खाना खाया है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए अस्थमा इज मोर इन फरवरी ठीक है। इस समय पे एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए क्यों? कफ को निकाल। और इस समय पे सबसे बढ़िया फ्रूट है ना, क्योंकि इस
समय पे विटामिन ज्यादा चाहिए, अभी कफ से कफ को पिघालना, और जब बरसात आ जाएगी तो गर्मी भी आ गई और पानी भी आ गया, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बैंड बजी होती है, पानी कम, डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाता है। क्यों हो जाता है? सर्दियों में ज्यादा क्यों है? खून ही जम आ गया। गर्मियों में कम क्यों है? खून बाहर की तरफ आ गया। बरसात में और पानी भी पड़ गया ऊपर, तो इसलिए फिर बरसात में जी घबराता रहता है, खाना पीने का दिल नहीं करता और जमीन भी कुछ नहीं उगाती। ये फ्रूट भी कम कर देने होते हैं ना, वाटरमेलन, वाटरमेलन तो खाना ही नहीं, नहीं खाना सर्दी में, बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, क्यों? उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं, तो उस समय पे जो कड़वी है वही खानी है। कड़वी क्यों खानी है? जो जो एंटीबायोटिक है दैट इज फंगस को खत्म करने, एंटीबायोटिक इज बिटर, तो उस समय में बिटर खानी है, क्योंकि जठरागनी जो है हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है डाउन है। सबसे बुरा टाइम जो डॉक्टर का कहा है सर्दियों में, सबसे बुरा टाइम, सीजन नहीं चलता, सीजन चलता नहीं बेचारा, डाइजेस्टिव फायर लोगों की तकलीफ, तो सबसे अच्छा सीजन क्या होता है? बरसात का, डाइजेस्टिव फायर दुखी भी आ जाते हैं सर, इतना पेशेंट, इतना दुखी पेशेंट ज्यादा आ जाते हैं ना, दुखी आ जाते हैं। हां वो क्या कौन कौन सा पेशेंट आ जाता है? डायरिया का आता है, डेंगू आ जाता है, सारे आ जाते हैं, मलेरिया होता है, क्या चीज खानी है गर्मियों में, क्या चीज खानी है सर्दियों में, कौन सी कब खानी है, कौन सी कब नहीं खानी, ठीक है ना? कुल